सभी को दिल से ओम शांति। थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर सेशन और मेडिटेशन मिक्स करते हुए, क्लास मेडिटेशन मिक्स करते हुए चलेंगे। शुरू में हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, तो हम आपको कमांड देंगे बीच बीच में। आपने केवल अपने आप को विजुअलाइज करना है, उस सीन में देखना है, और बिल्कुल हल्के होकर, सर को बिल्कुल हैवी नहीं करना है, बिल्कुल भी भार नहीं डालना सर पे, ऐसे जबरदस्ती विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करना है। मुस्कुराते हुए एकदम लाइट आनंद के साथ, एकदम हल्के, जैसे दुनियावी चीजों को जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं तो दुनियावी चीजों को कैसे हंसते खेलते विजुअलाइज करते हैं ना, चाहे समर्थ हो या व्यर्थ हो। हम जब बातें करते हैं आपस में बैठकर तो क्या होता है, दुनियावी बातों को फट 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 विजुअलाइज करेंगे। जैसे बात करेंगे, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार, मर्सिडीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग विजुअलाइज, एकदम से विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना। कार का कलर रेड है, मर्सिडीज रेड कलर में कैसी लग रही है, एकदम से फट फट विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन जब मेडिटेशन की बात आती है तो विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर ब्रेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। याद रहे ये लाइन, अंडरलाइन कर लेना है हमें, कि ब्रेन के साथ जब आप कोई भी कार्य करने के लिए जबरदस्ती करेंगे तो जो आप उससे करवाना चाहते हैं वो उसके उल्टा ही करेगा। जैसे आप सोने जाइए, जबरदस्ती सोने की कोशिश करिए, क्या होता है, नींद उड़ जाती है ना। वैसे ही जब मेडिटेशन आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो विजुअलाइज नहीं होगा और ब्रेन हैवी हो जाएगा। और इस बात पर विशेष अटेंशन देना है हम सभी को देना है कि हमें अपने ब्रेन को कभी भी हैवी नहीं होने देना है। मेडिटेशन में ब्रेन को कभी हैवी नहीं होने देना है, कभी भी। वो उल्टा काम कर रहा है। फिर हम सोच रहे, मैंने 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया, मैं 3 घंटे बैठ गई, लेकिन ब्रेन उल्टा हैवी हो गया, फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेडिटेशन करने का मन ना करे, तो लाइट एकदम खेल खेल में। इसलिए बैठिए, खूब बैठकर करिए, लेकिन कर्म योग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कर्म के दौरान क्रिएटिव मेडिटेशन होता है। क्योंकि कर्म, जैसे कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, पहले भी इशारा दिया था, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमें इशारा देती है, इसमें ये अभ्यास सेट कर लीजिए। बाल्टी भर रहे हैं पानी से, एकदम देखिए ये एक्टिविटी क्या है, क्या याद दिलाती है कि मेरे मन की बाल्टी ईश्वरीय शक्तियों से भर रही है। तो देखो अपने आप अभ्यास शुरू हो जाता है ना। तो हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो अपने आप को मस्तक के मध्य देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए यहां देखकर बैठ जाइए। मैं कौन हूं, अपने आप से एक प्रश्न करिए, मैं कौन हूं। क्या मैं ये देह हूं, चिंतन करिए। क्या मैं ये पंच तत्वों की मिट्टी हूं, नहीं। मैं कौन हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। मैं हूं ही एक शक्ति, इतनी शक्तिशाली कि इस पंचभूतों के शरीर को मैं नचाती हूं।
अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊं तो कोई भी इस शरीर को इस तरह चला नहीं सकता जैसे मैं चलाती हूं। अपने आप को मस्तक के मध्य है एकाग्र करें, यहां पर अंदर चले जाएं यहां से, और ब्रेन के नीचे, मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। जैसे खाली कमरे में एक बल्ब जल रहा हो, वैसे इस सर रूपी कमरे में आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। अंदर देखिए, जैसे एक बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, वैसे मुजात्मा का प्रकाश पूरे सर में फैला हुआ है। मेरे सर में शक्तिशाली प्रकाश भर रहा है। मेरा मस्तिष्क इस शक्तिशाली प्रकाश को अब्सॉर्ब कर रहा है। अपने ब्रेन के हर एक सेल को प्रकाशित देखिए, विजुअलाइज करिए, मेरा ब्रेन प्रकाशमय हो गया है। आई द बींग वेरी पावरफुल मैं आत्मा शक्तिशाली हूं।
मुझसे शक्तियों की लाल किरणें मेरे सर में भरकर चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा निर्भयता की शक्ति से भरपूर हूं। मुझसे निर्भयता की किरणें, शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। देखें चारों ओर का वायुमंडल लाइट हो रहा है। अपने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाएं और देखें सभी आत्माओं को पाठ बजाते हुए सभी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। मैं शक्तिशाली फरिश्ता देख रहा हूं। अनेक आत्माएं आज भयभीत हैं। किसी में किसी चीज को ना मिलने का भय है, किसी को कुछ खो देने का भय है, किसी को रात्रि में अंधेरे का भय है, किसी को मृत्यु का भय है। उनका कोई अपना उन्हें छोड़ ना जाए इसका भय है। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, फेल होने का भय है। आत्माओं में आत्मविश्वास की कमी है। ये सीन हमने देख लिया। अपने आप को देखें अभी। मैं फरिश्ता, बहुत पावरफुल। सर्व शक्तियों से संपन्न। धरा से 5 फीट ऊपर। प्राण
प्रकाश की देह में चमकती हुई शक्तिशाली मणि। अब मैं इन सभी आत्माओं को शक्तिशाली प्रकाश का दान देता हूं। अपने अंग अंग से लाल प्रकाश निकलता हुआ देखिए। फैलता हुआ देखिए। सीन बनाइए कि एक बड़ा सा गोला बना है, सर्कल। सर्कल के चारों तरफ वो आत्माएं हैं जिनमें किसी न किसी कारण भय है, और मैं फरिश्ता उस सर्कल के बीचों बीच स्थित हूं। अब देखेंगे मुझसे लाल तरंगे निकल रही हैं। भयभीत आत्माओं को टच करके दूर दूर तक फैल रही है। ये लाल शक्तिशाली प्रकाश इन आत्माओं के चित्त में प्रवेश कर रहा है। जैसे स्पंज पानी को अब्सॉर्ब करता है, वैसे इनका अवचेतन मन इन किरणों को, इन लाल शक्तियों को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये आत्माएं निर्भय बन रही हैं। इनके चित्त में छाई हुई भय की काली मां नष्ट हो रही है। और वहां शक्तियों की लाली मां का परिचय परचम लहरा रहा है। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान फरिश्ता थोड़ा ऊपर की ओर उड़ता हूं। चलेंगे उड़कर ऊपर की ओर। और ऊपर चले जाएं। और ऊपर नीले आकाश को टच करें। मैं उड़कर पहुंच गया हूं वहां जहां से पूरी धरा एक बॉल की मुआफिक चमक रही है।
अपने सर के ऊपर देखें, ऊपर की ओर से देखें, सर के ऊपर पड़ रही हैं लाल किरणें परम धाम से। ये लाल किरणों की बरसात मुझ फरिश्ते को नहला रही है। मेरी प्रकाश का देह पूरा रेड हो गया है, आंखों से भी रेड लाइट निकल रही है। आंखें खोलकर परम धाम में शिव बाबा को देखें और अपनी आंखों पर, प्रकाश के नेत्रों पर देखें शिव बाबा की लाल किरणें पड़ रही हैं। ब्लिंक करें आंखों को शिव बाबा को देखकर और आंखों में लाइट प्रवेश कर रही है। आंखों की चमक बढ़ रही है। नैनों में शिव बाबा की शक्तियों का संचार हो रहा है। अपनी आंखों में शक्ति अनुभव करें। आंखें ब्लिंक करें, अनुभव करें आंखों में पावर। अब अपने आप को सर से पांव तक देखें, लाल शक्तियों से भर गया हूं मैं, लाल प्रकाश भर गया है। अब नीचे देखूं धरा पर, अपने तीनों नेत्रों से शक्तिशाली किरणों की फव्वारे ग्लोब पर पड़ने दें।
मैं देख रहा हूं धरा पर पड़ती है लाल किरणें, पूरी धरा को लाल रंग से रंग देती है। धरती के गोले को लाल रंग का देखें, जैसे रेड कलर की एक लाइट की बॉल हो। और इस धरा पर पाठ बजा रही हर एक आत्मा इस लाल प्रकाश में नहाकर निर्भय बन जाती है। मैं निर्भयता का फरिश्ता हूं, निर्भयता का प्रकाश फैलाने वाला फरिश्ता। नीचे उतर रहा हूं, धरा पर वापस लौटें। पंच तत्वों की देह में प्रवेश करें। मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति। थोड़ा सा जैसे अभी मेडिटेशन हमने किया है निर्भयता की शक्ति को बढ़ाने हेतु, थोड़ा सा इसी बात पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। फिर हम माइंड टू माइंड, हमारे जो थॉट ट्रांसफर होते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करके फिर हम और बातें करेंगे। मन को समझिए बस। जब मन को हम समझते हैं तो मन में घटने वाली कोई भी क्रिया उसे हम अच्छे से देख सकते हैं। भय कहाँ है, वो भी मन में ही है। मन भयभीत होता है, तन भयभीत नहीं होता। कहते हैं ना, मुझे डर लग रहा है, मेरा मन भयभीत है, तो मन में ही डर होता है। तो मन को समझते हैं थोड़ा सा। मन की स्टेजेस होती हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक सुप्रा कॉन्शियस माइंड। ये चारों वो स्टेज हैं। जैसे पहले ये समझेंगे हम कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माना जो अभी हमारा काम कर रहा है, जो बाह्य जगत से जुड़ा होता है। आप कॉन्शियस माइंड के द्वारा ये क्लास सुन रहे हैं। हम जब जागे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। इसको बाह्य मन भी कहते हैं, बाह्य मन। एक है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे मानो कोई बात, कोई घटना कल घटित हुई थी, लेकिन मैं उसे अभी भूला हुआ था, मुझे याद दिलाया गया तो याद आ गया। ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे कल आपने, मानिए कल आपने 4 बजे सवेरे एक मिठाई खाई थी, अभी तो आप भूले हुए थे, लेकिन
लेकिन जैसे ही आपको याद दिलाया गया तो एकदम याद आ गया, अरे हाँ, तो ये है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी वो घटनाएं जो आपने पूर्व जन्मों में आपके साथ घटित हुई हैं, या इस जन्म में भी जो बचपन में हुआ है। जैसे माने जब आप 2 वर्ष के थे, दिवाली पर या किसी फेस्टिवल पर आपकी माँ ने आपको एक मिठाई खिलाई थी, आपको याद है? नहीं, याद आएगा भी नहीं, सोचेंगे तो भी याद नहीं आएगा। यह है अनकॉन्शियस माइंड। और एक होता है सुप्रा कॉन्शियस माइंड, ये होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं हमारा अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु, नो थॉट्स, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है, खत्म। तो हम बात करेंगे अभी कि जो भय है ये कैसे हमारे अंदर बैठा हुआ है, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, भय क्यों है हमारे अंदर। इसका एक कारण होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इस जन्म में क्या हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण मुझे भय बहुत लगता है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति पानी से डरता है, तो पानी से डरने का कारण ये भी हो सकता है कि जब वो इस जन्म में, उसकी उम्र कम थी, जब उसका शरीर छोटा था, तो हो सकता है कि वो पानी में गिर गया हो और वो थोड़ा डूब गया हो, उसको तैरना ना आता हो, वो बहुत भयभीत हो गया हो उस वक्त, उसे निकाला गया हो और उसके मन में तब से पानी के प्रति डर घुस गया है। ये हो गया, ये तो मुझे याद है, ठीक है। लेकिन कुछ डर तो ऐसे हैं कि जो पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं, या मेरे बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं, जो 2 साल का था, 1.5 साल का था, ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी देखा जाए जब हम भयभीत होते हैं आजकल अंधेरे से, मानो अंधेरे से भयभीत हो रहे हैं, अंधेरे से भयभीत होने का कारण एक ये भी होता है, बचपन में हमें कई बार लोग कहते हैं, या हमारे माता पिता भी उनमें से हो सकते हैं, चाचा चाची या परिवार के कोई भी सदस्य, जब बच्चा थोड़ा सा रो रहा होता है तो उसे डराने के लिए, चुप करने के लिए डराते हैं कि चलो देखो तो मैं अंधेरे में ले जाऊंगा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। उससे बच्चा बहुत डरता है क्योंकि उसका जो बुद्धि है पूरी डेवलप नहीं हुई होती है उस समय तक, उसका केवल मन ही काम करता है, इसलिए वो कुछ भी हरकत करता है। बच्चा मन, मन का जो स्वरूप है वो बच्चा है कंप्लीट, तो बुद्धि पूरी डेवलप नहीं होती है, तो उसे जब कहते हैं अंधेरे में लेके चलेंगे तो पूरी तरह उसको सत्य मानता है और अंधेरे से बहुत डरता है। अंधेरा उसके मन में ऐसे घुस जाता है कि पता नहीं अंधेरे में क्या होता है, ठीक है। तो ये बात जैसे अभी बहन ने लिखा है, मेरे ख्याल से रत्ना बहन थे, कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो इसका कनेक्शन हमारे इस जन्म से हो सकता है और पूर्व जन्म से तो डेफिनेटली हो ही सकता है, अंधेरे से डरने का कारण ये है। तो सिंपली इसका अभ्यास हम ऐसे करेंगे, छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं। जब भी आपको अंधेरे से डर लगे, इस पे आपको जीत पानी है, और जीत पाने का एक सिंपल तरीका है, हम में से मैं समझता हूं अधिकतम मेजोरिटी अंधेरे से डरते हैं, कोई ज्यादा डरता है, कोई कम डरता है, कोई हो सकता है कोई बिल्कुल ना डरता हो, थोड़े बहुत तो सभी थोड़ा बहुत तो डरते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा डरता है। अब इस पे जीत कैसे पहनी जाएगी? देखो, हमने ज्ञान ले लिया, ठीक है, हमें बाप दादा पर पूरा निश्चय है, तो आप एक अभ्यास बार बार करें कि जैसे अंधेरे में जा रहे हैं तो क्या देखेंगे कि आपका ये राइट हैंड को बाप दादा ने पकड़ा हुआ है। बहुत अच्छा सीन है ये, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान चल रहा है। ये सीन बनाकर देखिए, और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये सीन मेडिटेशन में करना है सबसे पहले, क्योंकि उस समय पर मेरा अवचेतन हाईली एक्टिव होगा और इसे पूरी तरह अपने अंदर संभालेगा। ये सीन हमें बनाना है, जैसे एक सीन बनाते हैं, चलिए कि आप अंधेरे में हैं, बिल्कुल अंधेरा है, कहीं भी आप अंधेरा विजुअलाइज कर सकते हैं, जहां अक्सर आपको जाना पड़ता हो अंधेरे में, और आप देखते हैं कि जैसे आप रोज जा रहे हैं और डरते हैं, अभी देखेंगे मैं वहां जा रहा हूं और मेरी कलाई बाप दादा ने पकड़ी हुई है। अनुभव करिए आपके राइट हैंड को
आपकी राइट हैंड की जो कलाई है बाप दादा ने पकड़ी हुई है। वो सर्वशक्तिमान फरिश्ता मेरे साथ है। उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जब स्वयं निर्भयता का सागर ही मेरे साथ है, तो मुझे काहे का डर। अपने आप को उस पिक्चर में देखिए और बार बार ये कहिए, जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, वैसे मैं निर्भयता के सागर की संतान हूं, एकदम निर्भय हूं, बिल्कुल निर्भय और बहुत शक्तिशाली हूं। और फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा हो, तो अपने चारों तरफ ऐसे अंगुली से खींचकर एक ऑरा क्रिएट करें और कहें, शिव बाबा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है। कवच में अंदर आ जाएं, शिव बाबा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है। अब कहीं भी प्रवेश करके देखिए, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और ये अभ्यास 7 डेज कर लीजिए। अमृत वेला 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से अंधेरे से डरने वाले कई भाई बहन हैं, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, तो ये वाला अभ्यास आपको विशेष करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस का डर है वो भी निकल जाएगा, अगर पूर्व जन्म अनकॉन्शियस का है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए, इस उदाहरण को समझिएगा, मन को एक बकेट मान लीजिए, मन को एक बकेट मान लीजिए, और बकेट में मान लीजिए गंदा पानी भरा हुआ है। यह अभ्यास बहुत हमारे राजयोग में कराया जाता है, ये आप सबने सुना भी होगा, फिर भी मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि एक बकेट लीजिए, बकेट में गंदा पानी भरा है और मुझे उसमें साफ पानी भरना है। कंडीशन ये है कि मैं बकेट को उड़ेल नहीं सकता, मुझे ऐसा का ऐसा ही उसमें साफ पानी भरना है, और गंदे को मैं ऐसे पलट नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, उसे टैप के नीचे लगा देंगे, टैप ऑन कर देंगे, साफ पानी आता रहेगा आता रहेगा, बकेट से पानी छलकता रहेगा छलकता रहेगा छलकता रहेगा छलकता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उस बकेट में एकदम साफ पानी हो जाएगा। ठीक है, और जब वो गंदा पानी छलकेगा, जब नीचे बिखरेगा, तो नीचे भी गंदगी फैल सकती है। वैसे ही यहाँ है, मेरे अवचेतन यानी मेरे मन की बकेट में ये जो भय है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब वो गंदा पानी है जो भरा हुआ है, हम इसे पलट नहीं सकते एकदम। लेकिन क्या कर सकते हैं, परमात्मा रूपी टैप के नीचे इस बकेट को लगा दीजिए। एक सीन बनाइए बहुत सुंदर कि ये मन मेरा बकेट है और शिव बाबा रूपी टैप से शक्तियों का जल, प्योरिटी का जल इस बकेट में भर रहा है, और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का गंदा जल छलक छलक के बाहर गिर रहा है। भय को भी देखें, बाहर गिर रहा है बाल्टी से, छलक छलक के बाहर जा रहा है। आने दें ऊपर से, ऐसे कर लें थोड़ी देर, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर। देखो शिव बाबा से प्योरिटी का जल आ रहा है, मेरी मन रूपी बकेट में भर रहा है,
छलक कर गंदा पानी बाहर निकल रहा है। देखते जाएं धीरे धीरे मेरे मन की बाल्टी साफ पानी से भरती जा रही है। देखते जाएं भरती जा रही है। भरती जा रही है और भर गई है। अब देखें बकेट में एकदम साफ पानी, पवित्रता का, शक्तियों का जल और कुछ नहीं, एकदम साफ बकेट। अब इस पे कुछ नहीं है, गंदा पानी है ही नहीं, खत्म है ही नहीं, खत्म। अब जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो मुझे इस बकेट को गौर से देखना है और इस बकेट पे मुझे शक्तियों का, पवित्रता का, प्रेम का जल देखना है और कुछ नहीं, और है ही नहीं, और कुछ इसमें है ही नहीं, जगह ही नहीं किसी चीज को। अगर दिख जाए ना थोड़ा बहुत भय का, आलस्य का, विकार का, थोड़ा बहुत दिख जाए तो तुरंत बाबा रूपी टैप को ऑन कर देना, यानी लगा देना नीचे, शिव बाबा की शक्तियों को पढ़ने देना वहां पर, और उसे छलक के बाहर फेंक देना, तुरंत खत्म, एकदम साफ क्लीन। ये अभ्यास आप अमृत वेला करिए, जब मन करे करिए, जब सोने के लिए आप लेट गए हैं तब करिए। बहुत अच्छे अभ्यास है ये, 100% गारंटेड सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो माइंड टू माइंड आज हमने थोड़ा सा करना था, उसमें भी हम भय को थोड़ा कवर करेंगे, सब चीजें कवर हो जाएंगी, ऐसा मुझे टचिंग आ रही है बाबा की ओर से कि वो करेंगे टच। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम माइंड टू माइंड किसी को एनर्जी कैसे दे सकते हैं। माइंड टू माइंड एनर्जी देना संभव है क्या? पॉसिबल है। माइंड टू माइंड एनर्जी कैसे जाती है? देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम कॉन्वर्जेशन को। कॉन्वर्जेशंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है माइंड टू माइंड, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। रिटर्न और ओरल यानी लिख कर देना और मुख से बोलना, इसके तो हम सभी अनुभवी हैं, लेकिन एक होता है माइंड टू माइंड। इसके हम अनुभवी तो हैं लेकिन इस पर गौर नहीं करते, क्योंकि बैटरी हमारी कलयुग में जब हम पहुंचे तो लिप छिप करने लगती है ना बहुत ज्यादा, तो इस पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसी को कुछ भेज रहा है क्या, ये सब हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि देह भान एक्सट्रीम हो जाने के कारण जो भी बातें, जो भी चीजें देह से जुड़ी हैं उनमें तो हम मास्टरी कर लेते हैं, लेकिन खुद को भूल जाने के कारण तो खुद के जो सबसे करीब चीज है वो है मन, उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर हम पहले एक, मुझे याद आ गया कि एक साइंटिफिक एविडेंस है जिसमें प्रूफ किया गया है कि माइंड टू माइंड बातें होती हैं। 2014 में, 2014 में एक व्यक्ति को भारत में, एक व्यक्ति को फ्रांस में बिठाया, ठीक है, दोनों के सर पे सेंसिटिव हेडसेट्स लगाए गए और कंप्यूटर्स वहां पे सब थे ही। जो भारत में व्यक्ति बैठा हुआ था उसने मन में एक थॉट क्रिएट किया, मुख से नहीं बोला ना लिख के दिया, ले केवल मन में बोला, हेलो, ठीक है, औला, चाओ, ये वाले शब्द। तो उसने सिर्फ ये बोला हेलो। तो अब इसके जो कंप्यूटर पे एक ईईजी पैटर्न बन गया, ठीक है, अब जैसे ही इसने हेलो बोला तो जो व्यक्ति फ्रांस में बैठा हुआ था उसके माइंड ने इसकी इस बात को कैच किया और इसके कंप्यूटर पे भी सेम पैटर्न बना और उसने कहा कि मुझे हेलो बोला गया है। यानी साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्रूव्ड है कि
ब्रेन टू ब्रेन बातें हो सकती हैं। उन्होंने इसे ब्रेन टू ब्रेन कहा है, माइंड टू माइंड नहीं कहा, बिकॉज जब से देखो जब हमें भी ये ज्ञान नहीं था, हम भी माइंड और ब्रेन को एक ही समझते थे, लेकिन अभी पता चला है कि ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ब्रेन बॉडी का पार्ट है, माइंड आत्मा का पार्ट है। माइंड इस ब्रेन को चलाता है, माइंड है सॉफ्टवेयर, ब्रेन है हार्डवेयर, ठीक है। तो ये जो मन से वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये ब्रेन को एक्टिव करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर बहुत क्लोजली हम देखें इसे, अच्छे से देखें, बात करें, तो कहेंगे माइंड टू माइंड टॉक है, ब्रेन टू ब्रेन नहीं, माइंड टू माइंड टॉक हो रहा है, यानी माइंड टू माइंड बात होती है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया। अब ठीक है, चलो वैज्ञानिकों ने तो ये अप्रूव किया है, लेकिन हम तो इसे सतयुग से करते आ रहे हैं। वैसे देखो अगर अज्ञानियों को बोले अरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सच है। सतयुग में तो देवताएं बहुत कम बोलते हैं, वो तो माइंड टू माइंड टेलीपैथी करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी बैटरी 100% चार्ज है, तो उनकी टेलीपैथी 100% ऐसे काम करती है जैसे टेलीफोन पे हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी बैटरी ऐसे हो गई तो फोन की तरह तो टेलीपैथी हमारी हो नहीं पाती इतनी स्पष्ट। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्या है, चारों तरफ इंगेज रहता है, इंगेज रहता है। कैसे? अब जैसे मैं मानो अभी मैं अकेला कितने सारे माइंड से कनेक्ट रहता हूँ, अभी इनके बारे में सोच रहा हूँ, अभी इनके बारे में सोच रहा हूँ, अभी इनके बारे में सोच रहा हूँ। सपोज करो कि आप मुझसे मन ही मन कुछ कह रहे हैं, आप मुझसे मन ही मन कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरा मन किसी और से कनेक्ट है, तो आपकी जो टेलीपैथी है वो मिस कॉल में जाएगी। आपने मुझे टेलीपैथी की, आपने मुझे कॉल लगाया माइंड टू माइंड, लेकिन मेरा कॉल कहीं और, जैसे फोन पे नहीं टेलीफोन करते हैं, फोन पे जब हम कॉल करते हैं, अगर उसका कॉल कहीं और लगा हुआ है तो क्या होता है, वो मिस कॉल में चला जाता है, ठीक है, वो बाद में देखता है, फिर हमें कॉल बैक करता है। वैसे ही टेलीपैथी है, जब हम किसी को कुछ मन ही मन में बोलते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो कहीं और बिजी हो, तो आपकी बात उसके मिस कॉल में चली जाएगी। जब वो थोड़ा फ्री होगा, उसका माइंड थोड़ा फ्री होगा, तो उसको टच होगा कि मुझसे वो कुछ बोल रहे थे, मुझे लगता है मुझे वो याद कर रहे हैं, मुझे उनकी याद आ रही है, और देखेगा वो कि उसको उसी तरह की बातें चलने लग जाएंगी मन में, जो उसने सोचा था ना, कुछ उसी तरह की बातें उसके मन में चलने लग जाएंगी उस क्षण। इसके तो अनुभवी हम अच्छे से हैं, सडनली हमें किसी व्यक्ति की याद आ जाती है और हम बातें मन ही मन उससे करने लगते हैं, यही तो टेलीपैथी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मुंबई में था, तो जब कभी भी मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, तो मुझे तुरंत हमारी जो लौकिक माँ है उनका फोन आ जाता था, और वो फोन करते ही जैसे मैं फोन उठाता था तो वो बोलती थी तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको कैसे पता चलता है तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो मेरी बातें उनसे कई कई दिनों तक नहीं होती थी, कई बार तो एक एक महीने तक भी नहीं होती थी, और जब तबीयत बिगड़ी 100% फोन आता था, तो उनको तो आपको कैसे पता चल जाता है, कहती वो मैं सोच रही थी आपके बारे में। तो एक्चुअल में क्या है, जब बच्चा बीमार होएगा तो उसे तो माँ की याद आनी है, ठीक है, तो ऐसे ही मुझे भी माँ की याद आ रही है, लेकिन माँ तो अक्सर बच्चे के बारे में सोचती ही रहती है, तो कनेक्शन लग गया, तुरंत एकदम मैसेज गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने तुरंत फोन लगा दिया। और ये आप सबने अनुभव किया हुआ कभी ना कभी, तो ये तो काम करता है, टेलीपैथी काम करती है, माइंड टू माइंड टॉक होती है। यानी ये सिद्ध हो गया कि आत्मा आत्मा से बात कर सकती है। अब विचार करिए, अगर आत्मा आत्मा से बात कर सकती है, तो क्या आत्मा परमात्मा से बात कर सकती है? बस सिद्धांत तो यही कहता है कि जब आत्मा आत्मा से बात कर सकती है, तो आत्मा परमात्मा से भी आराम से बात करनी चाहिए, बल्कि और इजी होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात, आप आत्मा से बात करने जा रहे हैं, यानी एक थके हुए मन से बात करने जा रहे हैं और एक शक्तिशाली मन से बात करने जा रहे हैं, फर्क है दोनों में, राइट? क्योंकि परमात्मा तो फुल बैटरी चार्ज है, और सबसे बड़ी बात है वो कहीं बिजी नहीं रहते, हमेशा फ्री है। उनको आप जब भी कॉल लगाएंगे ना, एक सेकंड में आपका कॉल लगेगा उनको,
मान लीजिए आप मुझे कॉल लगा रहे हैं तो मेरा फोन बिजी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन उनका कभी बिजी नहीं मिलेगा आपको। भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे, मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़े होकर पहले तो ये कहते थे, आप सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, मैं नीच पतित और पापी हूं, यानी पहले अपना लेवल पूरा नीचे गिरा लेते थे, ठीक है, गिरा लिया। अब कहते हैं समानता समानता को आकर्षित करती है, दोस्ती भी दो समान लोगों के बीच होती है, ठीक है। अब हमने तो अपना लेवल घना ही नीचे गिरा दिया ना उनसे, अब गिराने के बाद फिर हम उनसे बात करना शुरू करते थे तो पहले तो कनेक्शन बने कैसे, ठीक है, चलो फिर भी चलो बना लेते हैं, तो हमने उनसे बात करना शुरू किया, हमने उनको बताया, झटझट झटझट सब सारी बात अपनी बोली, बोलकर फट से वहां से निकल जाते थे। लेकिन कॉन्वर्जेशन तो टू वे होता है ना, वन वे कॉन्वर्जेशन थोड़ी ना होता है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं बोल रहा हूं बोल रहा हूं और जब आपकी बोलने की बारी आई मैं वहां से उठ के चल दिया। जब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ठीक है, और जब आपकी बोलने की बारी आई तो मैं उठकर चल दिया। वैसे मंदिर में हम क्या करते थे, भगवान को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते थे, वो भी फटफट 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 फट बताते थे, ठीक है, बताया, बताने के तुरंत बाद चल दिए, ठीक है भगवान आप देख लेना। अब वो कहते भाई, भगवान कहते भाई सुन तो सही, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन हम तो सुन ही नहीं रहे, हम तो फट 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 फट। तो मेडिटेशन में हमने क्या सीखा, हमने ये देखा राजयोग में कि हम माइंड टू माइंड उनसे बात करते हैं, पहले मैं बोलता हूँ, ठीक है, जब मैं बोलता हूँ मन से तो वो सुनते हैं, ठीक है, और वो इतने रॉयल हैं कि जब हम बोलते हैं वो बीच में नहीं बोलते। हम मनुष्य तो फिर भी बातें काट के एक दूसरे हम झाड़ देते हैं ना, परमात्मा कभी नहीं करेंगे कि आप बोल रहे हो वो आपकी बात कट करके तुरंत शुरू हो जाएंगे, नहीं, वो बहुत रॉयल है, रॉयल्टी के सागर हैं वो, तो है ना, लॉयल रॉयल। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हम परमात्मा से मन ही मन में बातें करते हैं, हम कहते हैं हे मेरे प्यारे पिता, जैसे मानो मैं उनसे बोलता हूँ प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलें और परमात्मा हमें वापस गुड मॉर्निंग ना बोलें, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा मनुष्य भी करते हैं तो भी हम क्या कहते हैं, इसे शिष्टाचार नहीं है, है ना, इसे केयर नहीं है किसी चीज की, हम उसको क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा है, परफेक्शन है ना, वो तो परफेक्ट है, परफेक्शन के सागर है वो। अब मैं उनको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग शिव बाबा, तो वो रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बच्चे नहीं कहते, 100% कहते हैं, 100% 100% गारंटी है, कहते हैं वो, उन्होंने खुद कहा है कि तुम बच्चे सवेरे उठकर मुझे गुड मॉर्निंग कहो या ना कहो, लेकिन मैं तो गुड मॉर्निंग करने आता हूं और टिल द एंड ऑफ संगम युग आता रहूंगा। ये परमात्मा महावाक्य है। तो जब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग शिव बाबा तो वो डेफिनेटली कहते हैं गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, लेकिन हम सुनते नहीं है। सुनने के लिए उस व्यक्ति को सामने देखना भी होता है। तो बाबा को सवेरे उठते ही एंजेलिक फॉर्म में देखिए, एंजेलिक फॉर्म में देखिए। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। जब हमें ये ज्ञान मिला शुरू शुरू में, तो आपको पता है शुरू में बहुत ज्यादा नशा होता है, सबको नशा आज भी बहुत है लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही बाबा का जो वो था ना, एक बाबा का मैंने लाइट देखा था एक सेंटर पे, एंजेलिक फॉर्म में बाबा ऐसे खड़े हुए थे, बहुत आकर्षक लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। तो मैं उस सीन को देखकर ऐसे बहुत देर तक देखता रहा देखता रहा देखता, मेरे मन में एक थॉट आया कि कैसा हो कि मैं अब तो मैं इन्हें देख रहा हूं यहां पर, कैसा हो कि मैंने जब चाहे तब देख सकूं। तो मैं खड़ा होकर वहां पर अभ्यास करने लग गया। पहले मैं उनको देखता, फिर आंखें बंद करके देखता, फिर आंखें खोल के देखता, आंखें बंद करके देखता। ऐसे देखते ही देखते मेरी बुद्धि की एक्सरसाइज साइज हो गई और मुझे उन्हें विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। तो फिर मैंने ये अभ्यास किया रात को सोने से पहले कि मैं सवेरे उठते ही
बाप दादा को बिल्कुल सामने देखूंगा। कई बार बिंदु को देखना मुश्किल होता है सवेरे उठते ही, कई बार और सारे अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप सामने बाप दादा को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और आपको उनको वो छोटे रूप में नहीं देखना है, आप जितने विशाल काय रूप में उन्हें देखना चाहें देख सकते हैं, एंजेलिक फॉर्म में, कितना भी विशाल। तो बहुत आसान होता है विशाल कोई भी वस्तु को देखना, तो उन्हें विशाल रूप में, बड़े से बड़ा, बहुत विशाल, दूर दूर तक जिनसे प्रकाश फैल रहा है। और अच्छे से देखिए उनके नयनों को, बाप दादा के नयन देखिए, वो नूरानी नयन और उनसे झलकता प्रकाश, प्रेम की लाइट, देखिए अच्छे से वो मुस्कुरा रहे हैं। और मैं उनको बड़े प्यार से कहता हूँ, बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग। और सर पे जब उनका हाथ आता है, ये प्रकाश से भरा हुआ हस्त हमारे सर के ऊपर आता है, सोचिए क्या अनुभव होता होगा। उनके हस्तों से प्रकाश ब्रेन में अंदर उतर जाए, फिर वो वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सुखी भव, सफल भव, समृद्ध भव, स्वस्थ भव, जो चाहे वरदान ले लो। और 100% ये हो रहा है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये माइंड टू माइंड टेलीपैथी के द्वारा हो रहा है। इधर से मैं कुछ बोल रहा हूं, उधर से बाबा कुछ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉन्वर्जेशन करने के लिए चाहिए कनेक्शन, और कनेक्शन से पहले चाहिए होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। परमात्म परिचय हम सबको मिला है। अगर हम में से कुछ भी भाई बहन ऐसे अभी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, और वैसे भी ये ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पे तो जाएगी, तो डेफिनेटली बहुत भाई भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने 7 डेज कोर्स नहीं किया होगा, जो इसे देखेंगे। तो हम स्पष्ट करते हैं उनके लिए कि आप ये अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं, माइंड टू माइंड जो टॉक है वो परमात्मा से आप जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है परिचय। जब तक किसी का परिचय ही नहीं है तो कनेक्शन होगा कहाँ से। जैसे जो माताएं हैं, जो भाई हैं, यानी जो मैरिड हैं, जिससे भी उनकी शादी हुई, पहले उनको उनका परिचय मिला, परिचय मिलने के बाद एक कनेक्शन जुटा। अब से 20-30 वर्ष पहले की बात करें, 40 वर्ष पहले तक की बात करें, तो जब शादी होती थी तो एक दूसरे को देखते नहीं थे, मिलते भी नहीं थे, ना फोन पे बातें होती थी, केवल उनको उनके बारे में बताया जाता था। और ऐसा ये सत्य है, हमने कुछ भाइयों से कुछ माताओं के अनुभव सुने हैं, ये कोर्स कराते हुए, ये बातें समझाते हुए, ताकि हम उन्हें रिलेट करके आसानी से समझा सकें। तो उनसे हमने बातें पूछी हैं, उदाहरण के तौर पर, कि जब आपको उनका परिचय मिला तो उसके बाद क्या हुआ। तो बताते हैं कि हमने उनको देखा भी नहीं, हमने कभी उनको देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही जब तक हमारी शादी नहीं हो गई, मतलब सगाई से शादी के बीच का जो समय है, हम चलते फिरते उठते बैठते उनकी याद में रहते थे, हमें उनकी याद आती थी जबकि हमने उनको देखा भी नहीं था। ऐसा कई भाई बहन कहते हैं, शिव बाबा को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तब उनसे योग कैसे लगाएं। अब ये देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, उनको देहधारियों को नहीं देखा, फिर भी उनको विजुअलाइज कर रही है उनकी बुद्धि, और माइंड टू माइंड टॉक चल रहा है, जबकि बहुत ज्यादा ज्ञान उनके बारे में नहीं है उनको। जबकि यहाँ तो शिव बाबा डेली 2 पेज की मुरली लेकर आते हैं, कितना सारा ज्ञान हमको देते हैं, उनके बारे में कितना कुछ हम जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि शिव बाबा उसे हम कभी हमने देखा तो है नहीं। वैसे तो देखा है लेकिन कॉन्शियस माइंड में है, याद नहीं है। परम धाम में उनके साथ रहे हैं, बहुत समय रहे हैं, और अब तो यहाँ साकार में भी देखा है, लेकिन फिर भी कहते हैं।
तो याद रहे, परिचय मिला, परिचय जब मिला कि वो एक ज्योति बिंदु परमात्मा है, जिसे हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग कहते हैं, लिंग माना रूप, जिसका रूप ज्योति जैसा है। मुस्लिम उसी को नूर कहते हैं, नूर मतलब भी ज्योति ही होती है। क्रिश्चियंस उसको गॉड फादर इज लाइट, गॉड फादर इज लाइट, लाइट भी ज्योति होती है। और सिख कहते हैं एक ओमकार, ओम मतलब ज्योति, ओम मतलब आत्मा, और आत्मा का रूप ज्योति होता है। ओमकार मतलब ज्योति का आकार है, वो सतगुरु है। यानी सभी धर्मों के लोग ये कह रहे हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। तो ये मिला हमें उसका इंट्रोडक्शन, कहाँ रहता है वो, परलोक जिसको कहते आए हम, परम धाम ब्रह्मलोक, वहां रहता है। कैसा है उसका प्रकाश, लाल सुनहरा प्रकाश, लाल सुनहरे रंग का आकाश है, और उस आकाश के मध्य चमक रहा है ज्ञान सूर्य। जैसे इस नीले आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे उस लाल सुनहरे आकाश में ज्ञान सूर्य चमक रहा है, जिसकी असंख्य किरणें चारों ओर फैली हुई है। जैसे इस आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे उस लाल सुनहरे चमन में आत्मिक सितारे चमक रहे हैं। ये है हम आत्माओं का घर, ये मिला हमें परिचय। है ना आकर्षक, मन को मोह लेने वाला, तो कनेक्शन कैसे ना जुटेगा। और कनेक्शन होते ही माइंड टू माइंड टॉक शुरू हो जानी चाहिए। अब कॉन्वर्जेशन के लिए रिलेशन, परमात्मा के साथ हम अनेक रिश्ते जोड़ सकते हैं। परमात्मा को सतगुरु, परमात्मा से सत टीचर, पिता, दोस्त, पुत्र, सभी संबंध हम जोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास बात करने के लिए ढेर सारा मटेरियल होगा। जैसे हम यहां पर इस स्थूल दुनिया में क्या करते हैं, हमारा जो भाई है हम उससे क्या बातें करते हैं, हमारे जो टीचर हैं हम उनसे क्या बातें करते हैं और कैसे बातें करते हैं, वो सारा सीन सामने ले आइए। हम गुरुओं से कैसे बातें करते आए हैं आज तक, वो सारा सीन सामने लाइए। हम पिता से क्या बातें करते हैं, वो सारा सीन सामने ले आइए। अब इन सभी रिश्तों में परमात्मा पिता को डाल दीजिए। अपने माइंड की ये प्रोग्रामिंग करिए कि मेरे एक नहीं दो पिता हैं। राजयोगी हैं तो जानते हैं तीन भी हैं, लेकिन दो की बात कर रहे हैं। अगर आपके दो मित्र हैं तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि मेरे तीन मित्र हैं, और कौन है तीसरे, स्वयं परमात्मा शिव। अगर आपका एक पुत्र है तो कहिए मेरे दो पुत्र हैं। एक के लिए खाना बना रही हो, मैं दो के लिए बना रही हूं, पहले उनके लिए बनाइए। टीचर, आपका एक टीचर है, पांच टीचर हैं, स्कूल में जाते होंगे कई टीचर होते हैं, या दो टीचर हैं उनमें एक और जोड़ दीजिए। जैसे आप उन टीचर्स के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं, इस टीचर से करके देखिए आपको कितना प्यार मिलेगा, क्योंकि ये प्रेम का सागर है टीचर। कुछ टीचर स्कूल में ऐसे भी होते हैं जो बड़े प्यारे होते हैं ना, बच्चों के साथ बड़े फ्रेंडली होते हैं, बच्चों ने बहुत पसंद करते हैं, वैसे देखिए कि ये टीचर भी बड़ा है ही, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आपको इससे बहुत प्यार मिलेगा। और अब गुरुओं के पांव छूते आए, उनसे वरदान मांगते आए, यहाँ आपको पांव भी छूने की दरकार नहीं है, क्योंकि तो परमात्मा कहते हैं मुझे तो पांव ही नहीं है। लेकिन आप उनसे वही बातें कर सकते हैं जो गुरुओं से करते आए, और आपको जो है वरदान मिलेंगे वो फलीभूत होंगे, क्योंकि स्वयं सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं। तो यहां पर हम उनसे जब रिलेशन बनाएंगे
मतलब जब हम कॉन्वर्जेशन उनसे करेंगे तो हमारा रिलेशन उनसे बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। इस तरह रिश्ते बनते जाएंगे, मन ही मन बातें करते जाइए, माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन यूज करते जाइए, जितना हो सके उनसे बातें करिए, चलते फिरते उठते बैठते बातें करिए, कभी मित्रों से मिल रहे हैं, कभी टीचर से मिल रहे हैं, कभी पिता से मिल रहे हैं, उसी तरह उनसे मिलिए दिन भर में, कभी पिता के रूप में, कभी ऐसे कभी वैसे, तो आप देखेंगे कि आपका तो पूरे दिन ही योग हो रहा है, पूरे दिन परमात्मा से कनेक्ट है। और साइंस भी कहती है जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे, जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। जैसे कि अभी किसी दुखी व्यक्ति को याद करके देखिए, अपने उस टीचर को याद करके देख लीजिए स्कूल में जो बहुत आपकी पिटाई की है कई बार, हम तो बचपन में कई बार ऐसे पिटे हैं। आजकल तो ये नियम खत्म हो गया है कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पहले ऐसा होता था। जब उसके बारे में सोचते हैं तो प्यार आता है? नहीं आएगा। उस वक्त हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी देख लीजिए। अब किसी ऐसे टीचर को याद करिए जो बहुत प्यारा था, बड़ा फ्रेंडली था, हमसे बड़ा दोस्ताना व्यवहार करता था, देखिए मन एकदम हल्का हो जाता है। तो अब सत टीचर को याद करिए, यानी परमात्मा को याद करिए, उसकी टीचिंग्स को अनुभव करते हो ना रोज, कैसे पढ़ाता है वो, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, बड़ी प्यार से समझा नहीं देता है वो, मुख में मिठास घुल जाती है जब वो कहता है मीठे बच्चे। तो जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे, संग तारे कुसंग बोरे, जिसके साथ संग होगा वैसे बनते जाओगे। सत्संग, सत्य के साथ संग होगा हमारा तो बहुत पावरफुल होते जाएंगे, वैसे ही बनते जाएंगे जैसा वो है। और केवल एक रिश्ता बना के रखते हैं तो कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, या हर बात पिता को नहीं बता सकते। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप अपने मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पिता के साथ शेयर कर सकते हैं। जब उसे आप हर रिश्ते हर संबंध में देखेंगे तो हर रिश्ता आपका इतना प्यारा, इतनी बड़ी अथॉरिटी से है, उसके साथ ये शेयर कर रहे हैं। आज से कोई भी बात अपने मित्रों को बताइए, भले बताइए, लेकिन सबसे पहले उस मित्र को बताकर देखिए और फिर देखिए क्या होता है। कोई बात जो पिता को बतानी, लौकिक पिता को बता रहे, बताइए, लेकिन पहले उस पारलौकिक पिता को बताकर देखिए क्या होता है। माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन, पहले अपने मन से बोलिए और फिर चुप हो जाइए एकदम, उसे बोलने दीजिए, देखिए क्या जवाब आता है। अब जब हम परमात्मा से बात करेंगे, हम उसके संग में रहेंगे, तो उसकी एनर्जी हमारे माइंड में प्रवेश करेगी, हमारा माइंड बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर हमारा माइंड चारों ओर ये वाइब्रेशंस फैलाएगा, हम बहुत अच्छा फील करेंगे। इन वाइब्रेशंस का असर पंच तत्वों पर, यानी हमारी बॉडी पर पड़ेगा। इन वाइब्रेशंस का इंपैक्ट वायुमंडल को बनाएगा और हमारे रिश्तों को बहुत सुंदर बनाएगा। हमारे रिश्ते खराब होते क्यों हैं जब हाथ ऐसे हो जाता है? और आज हम सब यही कर रहे हैं, सब लेने की लाइन में ही खड़े हैं,
और मांग किससे रहे हैं? जिनके पास पहले ही नहीं है, क्योंकि वो भी उसी लाइन में ही खड़े हैं जिस लाइन में हम खड़े हैं। वो भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। देवता, दाता के बच्चे देवता ही होंगे, लेवता नहीं। यानी जो हमारा नेचर है उसके विपरीत हम चले गए हैं। जैसे एक वृक्ष का नेचर होता है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। अब वृक्ष कहे कि मैं लूं और ऑक्सीजन ना दूं, तो क्या होगा? वो खुद ही सूख जाएगा। हमारा नेचर है देना, नेचर बना दिया लेना। नेचर है देना, बना दिया लेना। तो क्या हुआ आज? चारों ओर देखिए, सभी को देखिए, चेहरे कैसे सूख गए। तो ये देना नेचर बनेगा कैसे? जब दाता यानी उस बीज से कनेक्शन होगा। जब बीज से कनेक्शन बनाएंगे, वो दाता से हमारे पास सब कुछ आएगा और फिर हम इन रिश्तों को दे पाएंगे, क्योंकि वो भी लेने की लाइन में ही खड़े हैं। और जैसे ही उनको देंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे ना हमसे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और हमें उनसे कुछ चाहिएगा नहीं, क्योंकि हम तो परमात्मा पिता से ले रहे हैं, परमात्मा मित्र से ले रहे हैं, परमात्मा टीचर से ज्ञान ले रहे हैं। हम सिर्फ उनको देंगे तो रिश्ते हमारे बहुत प्यारे हो जाएंगे। सोचिए। तो ये बात हो गई कि माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन से हम परमात्मा से कितना प्यारा रिश्ता बना सकते हैं और अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लेंगे। ठीक। अब हम बात करेंगे कि जैसे हम में से कई भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि भाई जी, मेरा बच्चा भोजन नहीं करता, 2 साल का है, भोजन नहीं करता, उसके लिए मैं क्या करूं? तो हम बोल कर तो बहुत कुछ समझा चुके हैं, वाणी से बहुत कुछ बोलते हैं मुख से, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो यहां माइंड टू माइंड हम उसे एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि प्रूफ तो कर ही लिया है, प्रूफ तो हो चुका है कि माइंड टू माइंड एनर्जी जाती है। अब हमें उसे माइंड टू माइंड एनर्जी देनी है कब? जब वो सवेरे सोया हुआ है 7 बजे। हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ेंगे। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी एनर्जी हमारे मन में प्रवेश करेगी और हमारे मन से उस आत्मा में जाएगी जो आत्मा मेरे बच्चे का रोल अदा कर रही है। सबसे पहले तो मुझे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी है कि ये मेरा बच्चा नहीं, एक आत्मा है और ये परमात्मा का बच्चा है। मुझे इसकी देखभाल करने का रोल मिला है, मुझे इसकी माँ का रोल मिला है और इस आत्मा को मेरे बच्चे का रोल मिला है। ये परमात्मा शिव का बच्चा है। बहुत ऊंची दृष्टि से देखने पर उस बच्चे को बहुत प्योर और पावरफुल एनर्जी मुझसे जाएगी और यही उसको चाहिए। मैं थॉट क्रिएट करूं, पहले तो थोड़ा अच्छा योग करूं, परमात्मा से कनेक्शन जुट गया है, एनर्जी आ रही है, फील हो रहा है चार्जिंग। अब उसके बाद मैं थॉट क्रिएट करूं कि मेरे नैनो और मस्तक से बहुत प्योर एनर्जी निकलकर इस बच्चे पर पड़ रही है, इसके मन में प्रवेश कर रही है, इसके मन में प्रवेश कर रही है। और मैं संकल्प करता हूं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। संकल्प करें उस बच्चे के लिए, आप एक दिव्य आत्मा हो, यू आर अ डिवाइन बीइंग, ईश्वर की संतान हो। आपके दिव्य संस्कार काम कर रहे हैं। ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है,
विजुअलाइज करना शुरू कर दें। ये बच्चा बहुत हेल्दी है, ये बच्चा समय पर भोजन कर रहा है, मैं इसे भगवान की स्मृतियों में बने भोजन को दे रही हूं। सीन बना लीजिए कि बच्चा भोजन कर रहा है, वो बहुत खुश है, ये अभ्यास हमने सवेरे 7 दिन करी है आप, क्योंकि एक माता का अनुभव मेरे पास है जिनको यही प्रॉब्लम हुआ था, उनका फोन आया था, उनको ये अभ्यास बताया गया, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही डेडिकेशन से ये अभ्यास 7 दिन ही किया था, मतलब साफ बताया तो 21 दिन था, लेकिन 7 दिन में ही इसका असर दिखने लगा था बच्चे पर। और रोज सवेरे बहुत दिल से ये कहती थी और देख रही थी कि 7 दिन के अंदर 50% रिजल्ट था, बच्चा भोजन करने लगा था, क्योंकि अभ्यास करने के बाद वो फिर पूरे दिन कोई ऐसा थॉट नहीं चलाती थी कि ये नहीं खाएगा ये खाएगा ही नहीं। जब उन्होंने पहले दिन ये अभ्यास किया तो उसका कोई असर नहीं दिखा उस पर, ऐसा नहीं कि उसने खाना खा लिया, लेकिन उनको पूरा विश्वास था, उनको ये बता दिया गया था कि 21 दिन आपको करना है, ऐसा मत सोचना एक दिन में भोजन करने लग जाएगा, तो उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं और कुछ उसे कुछ बोला भी नहीं। फिर पूरे दिन उसके पास भोजन लेके गए, उसने नहीं किया, उसको थोड़ा प्यार से और ऐसे वाइब्रेशंस दिए और छोड़ दिया। 7 दिन में असर होता क्या है, कई बार हम क्या गलती करते हैं, सवेरे तो उसको बहुत प्योर एनर्जी थी हमने, है ना, कई बार तो एनर्जी देते देते डाउट करते रहते हैं, पता नहीं ये खाएगा भी, ये खाएगा नहीं वैसे पता है मुझे इसका, लेकिन चलो उस वक्त हम में से ऐसा तो बहुत कम करेंगे, लेकिन 99% तो हम अच्छे वाइब्रेशन उसको दे देंगे सवेरे। देने के बाद फिर दोपहर को हो सकता है, शाम को हो सकता है, रिजल्ट ना दिखाई दे, हमारे थॉट चलने शुरू हो जाए, यहाँ तक कि हम उसको कुछ बोल भी दें, कुछ कह भी दें, तू तो खाएगा नहीं, अब खाना भी बना रहे हैं, फिर खाना बनाते बनाते भी ये सोच रखते हैं फिर ये खाएगा नहीं, वैसे तो बना रही हूँ बस, तो फिर क्या होता है, भोजन में एनर्जी जाती है, फिर वो उसके अंदर जाती है, उसका थॉट अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड सॉन्ग्स होता है तो वो बजने लगता है फिर। तो ये विशेष हमने ध्यान देना है कि जब हम सवेरे उसको प्योर एनर्जी दे रहे हैं ना, तो फिर दिन में भी वही देते रहे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा धरती में आम का बीज डाला और फिर आदतन मजबूर होकर आम का उखाड़ देते हैं, फिर नीम का डाल देते हैं, अच्छा फिर सवेरे फिर से आम का डालने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है, कोई रिजल्ट नहीं आता, फिर 7-8 दिन बाद बोलते हैं इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, फेल होते हैं हम उन्हें यूज करने में, ठीक है। तो एक तो ये बात, हमने इसका अभ्यास करना है इस तरीके से। दूसरा एक और मेरे पास अनुभव है कि एक माता का फोन आया था कि उनके जो पति हैं वो अल्कोहलिक हैं, वो बहुत परेशान थी उनसे, वो शराब पीते हैं, तो कहती है उनके लिए कैसे मेडिटेशन किया जाए कि जो वो ये छोड़ दें। अब उनको भी सेम यही अभ्यास बताया गया था कि आप सवेरे अमृत वेला एक ग्लास पानी अपने पास रख लीजिए, अगर हो सके जहां पे वो आत्मा जो आपके हस्बैंड का रोल अदा कर रही है, जहां पे वो सोई हुई है, या तो आप वहां पे बैठ जाइए, और नहीं तो आप कहीं भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। पानी अपने पास रखिए और ये संकल्प करिए कि एक पवित्र आत्मा है। तो माता जी ने तुरंत बोला, पवित्र तो वो भाई जी कैसे, पवित्र तो वो नहीं है, पवित्रता उसका नेचर है ना, जैसे ये श्वेत वस्त्र है, इन पे दाग लग जाए फिर भी हम धोते वक्त क्या बोलते हैं, भाई सफेद को पहले धोना, मतलब ये सफेद ही है ना, भले काला हो गया लेकिन है तो सफेद, क्योंकि सफेद इसकी ओरिजिनलिटी है। वैसे आत्मा पे दाग लगा है विकार का या क्रोध का, मोह का, लोभ का, लेकिन आत्मा ओरिजिनली प्योर है, एकदम वाइट है,
वैसे ही जब उन्होंने बोला, उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई वो भी प्योर है, उन पे ये दाग लगा हुआ है, ठीक है। अब आप उनको कहिए बार बार मन ही मन में कि पवित्र आत्मा है, तीन बार बोलिए कि पवित्र आत्मा है, बहुत प्योर है, पवित्रता के सागर की संतान है, पवित्रता के सागर की शक्तियां इसके मन में प्रवेश कर रही हैं। देखा उन्होंने इस तरीके से प्रवेश कर रही है, पवित्रता के सागर की पवित्र सफेद किरणें इस पानी में भी प्रवेश कर रही हैं। संकल्प करूं, ये एक दिव्य आत्मा है, देव कुल की आत्मा है, और देवताएं तो अल्कोहलिक होते नहीं, तो उन्होंने संकल्प किया कि ये देव कुल की आत्मा महान आत्मा है, अल्कोहल से कोसों दूर है, मुक्त है, कोसों दूर, बहुत दूर, देखती भी नहीं उसकी तरफ। अब पूरे अथॉरिटी से, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने ये अभ्यास 21 दिन किया और उनको परिणाम ये 15वें दिन से दिखना शुरू हुआ कि वो खुद ही कहने लग गए कि पता नहीं क्या हो रहा है, अब जब भी मैं पीता हूं तो मुझे बहुत स्मेल आती है, उससे अजीब सी बदबू आती है, मेरा मन नहीं करता आजकल पीने का। और फिर वो अपना अभ्यास रेगुलर करती रही करती रही, और 21 दिन में रिजल्ट क्या था कि वो भाई लगभग 95% छोड़ चुके थे। बीच बीच में उनको थोड़ी तलब लग रही थी तो थोड़ी बहुत दवाई वगैरह भी उनकी उन्होंने चलाई और ये अभ्यास साथ में करती रही। मेरे ख्याल से जब उन्होंने दोबारा फोन किया था तो बताया था कि भाई जी आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई ड्रिंक नहीं की है। अभ्यास, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, फेल हम ही होते हैं उन्हें अप्लाई करने में। पूरे विश्वास के साथ अगर आप करेंगे, माइंड टू माइंड एनर्जी देकर, रिजल्ट 100% मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे देखकर। चलिए एक अभ्यास कर लेते हैं। पहले एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, हल्के हो जाइए। किसी तरह का कोई बोझ नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए, लाइट हो जाइए। बाह्य बातों से बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर आ जाइए। अंतर मन की यात्रा करेंगे हम, अंदर चलेंगे, अपने अंतर मन में देखें, अथाह शक्तियों का खजाना जमा है, मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूं, मैं बहुत शांत हूं, मैं शीतल हूं,
मुझसे शांति का प्रकाश निकल रहा है। ये शांति का प्रकाश सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। इस शीतल प्रकाश से मेरा मस्तिष्क भी शांत हो रहा है। शांति की लाइट मेरे पूरे सर में फैल रही है। मेरे तीनों नेत्रों से शांति की लाइट निकल रही है। ये शीतल प्रकाश वायुमंडल में फैल रहा है। जैसे अग्नि के उपरांत धुआं फैलता है, वैसे ये प्रकाश वायुमंडल में फैल रहा है। चारों ओर का वायुमंडल शांत हो रहा है। ये शांति का प्रकाश मेरी पूरी देह में फैल रहा है। मेरे अंग अंग को शीतल कर रहा है।
सर से पांव तक देख रहा हूं, अंदर देखें, अंग अंग में शीतल लाइट भर गई है। बॉडी का हर एक पार्ट शांत हो गया है। मैं शांति का फरिश्ता हूं। शांति मेरे गले का हार है। मैं आत्मा बहुत शांत हूं। मेरे सर के ऊपर पड़ रहा है शांति का फाउंटेन। मैं फरिश्ता शांति की फव्वारों में नहा रहा हूं। शांति की फव्वारों में नहाता मैं फरिश्ता। मेरे अंग अंग से शांति फैल रही है। शांति का जल टपक रहा है। शांति सागर की शीतल बूंदा बांदी मुझ फरिश्ते को भिगो रही है। शांति सागर की शांति मेरे चित्त में भर गई है। मैं फरिश्ता बहुत शांत हूं। मैं शांति का अवतार हूं। अपने आप को देखें कर्म क्षेत्र पर। मैं फरिश्ता
कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा हूं शांति पूर्वक, कोई हलचल नहीं। कोई भाग दौड़ नहीं, स्थिर मन स्थिर बुद्धि, रॉयल संस्कार, और मैं फरिश्ता एकदम शांत। ओम शांति।